नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। थोड़ा उधर भी खाली कराइए ना। यहाँ के हमारे राज्य के जो सरकार बने हैं, जब से वो राज्य की सरकार बने हैं हेमंत सोरेन, तब से वो उनका पहला टारगेट है बागला। किस तरह से बागला की जनता को और वहाँ के विधायकों को किस तरह से परेशान कर सकते हैं, झूठे झूठे मुकदमे करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गणों पर बिना एक दिन में केस भी नहीं होता है, पहले पुलिस प्रशासन वारंट लेके पहुंच जाती है। जब वारंट दिखाने बोलते हैं तो बोलते हैं ऊपर से आदेश है, वारंट भी नहीं दिखाते हैं तो हम लोग घर में उनको प्रवेश भी नहीं करने देते हैं, वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। ताबड़तोड़ सरकार के दबाव में आके यहाँ के पुलिस प्रशासन वारंट निकलवाते हैं और पूरे खेत को, मेरे घर को ऐसे करते हैं कि जैसे कि कोई आतंकवादी का घर आइए। तो उसका जवाब देने के लिए आज हम लोग यहाँ तमाम माता पिता बैठे हुए हैं कि जिस तरह आप लोग झूठा झूठा मुकदमा हमारे विधायक जी पर, उनके कार्यकर्तागण पर लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ के प्रशासन और यहाँ के प्रेस मीडिया भाइयों के माध्यम से राज्य सरकार को आज एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि आज आप पूरे झारखंड राज्य की सरकार बने हैं। अगर आप अगर इनको CBI से जांच करवा सकते हैं, आप तो एक सत्ता में बैठे हैं, आपके पास तो अभी सारी पावर है, तो आप कोई भी एजेंसी से जांच करवा लें। जिस तरह पहले विधायक जी भी बोले कि मैं 1% दोषी हूँ तो मैं फांसी तक चढ़ने के लिए मंजूर है, उसी तरह मैं आज उनकी धर्मपत्नी भी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर हमारे विधायक जी और उनके कार्यकर्तागण, जिसमें जो झूठा झूठा मुकदमा लगाया गया है, तो हमारे विधायक जी अगर 1% भी दोषी पाए जाते हैं तो मैं खुद लेकिन राज्य सरकार ये करेगी नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि CBI जांच या एजेंसी से अगर जांच करवाते हैं तो राज्य सरकार ये जानती है कि पानी का पानी हो जाएगा। फिर बागमारा विधायक क्या है बागमारा की जनता के लिए, उनको पता है, उनके बावजूद वो परेशान करने में लगे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैडम एक चीज और है।